is Vihan seat. This is Abhyan seat. क्या हो रहा है, दोनों को एक साथ ही बिठा दे. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है. हनी बनी पहले, मतलब फर्स्ट डे है उनका नए स्कूल में. वैसे तो उनको नर्सरी जाने की आदत थी, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जाएंगे. डिफरेंट स्कूल है, मतलब जैसे थोड़ा डिफरेंट सब कुछ होगा. वो तो प्ले स्कूल नर्सरी टाइप का ही था. तो वैसे जो भी होता है सारा प्रिपरेशन मैं एक रात पहले से ही करके रख रही हूँ, क्योंकि हनी बनी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है. 6 बजे उठना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ तो वो रहेंगे कुछ दिन अभी, जब तक आदत नहीं होती है. इसलिए एक रात पहले सब कुछ मैं रेडी करके रख रही हूँ. तो एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा, देन मास्क वैसे तो पहनेंगे नहीं, बट देने के लिए बोला है. एंड नैपकिन, देन सैनिटाइज़र, देन वेट टिश्यू, वो एंड सब सारे टिफ़िन बैग बॉटल सब लेबल होगा, सब में नाम लिखा जाएगा. एंड सारा नैपकिन्स वगैरह मैं पैक करके रख दूँगी. साथ ही साथ उनका यूनिफॉर्म, जूते, वो सब मैं रेडी करके रख दूँगी, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो. सुबह बस उनको थोड़ा सा कुछ खिला दूँ. वैसे तो वो खाएंगे नहीं सुबह सुबह इतना, बस हल्का सा कुछ मिल्क वगैरह पी लेंगे. एंड टिफ़िन उनका 2 ब्रेक्स होंगे. उनके टीचर ने बोला है कि एक में प्रॉपर ब्रेकफास्ट देना, जैसे पराठा पास्ता. अभी तो मैं वही देने की कोशिश करूँगी जो वो अच्छे से पसंद है उनको, हाथ से खा पाते हैं, वही दूँगी. एंड साथ में और एक फ्रूट ब्रेक होगा, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा फ्रूट्स देना है. वैसे उनको इतना पसंद नहीं है फ्रूट्स खाना, जूस वगैरह पी लेते हैं. तो अगर होगा तो मैं पूछ के उनको जूस या फ्रूट जो भी उनको वही मैं दे दूँगी. तो बस एक नया वो स्टार्ट होने वाला है, नया रूटीन एंड एक नया फेज. तो प्लीज़ हनी बनी को ब्लेसिंग्स देना अपना. जय माता दी. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं. वैसे भी मैं सोई थी रात के 2 बजे अराउंड. 12:30 हम लोग आए, फिर एडिटिंग वगैरह किया, सोते सोते 2 बज गए. मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था. आज हनी बनी का फर्स्ट डे है स्कूल में, बट पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है. जब फर्स्ट डे होता है थोड़ा टेंशन रहता है, एक नींद खुले कि अलार्म बजेगा नहीं बजेगा. इसी चक्कर में ना एवरी हाफ एन आवर 15 मिनट्स में मेरी नींद खुली रही थी, अपने आप ही मैं नींद खुल जा रही थी. एंड 5 बजे आँख खुल गई, अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है. तो मैं सोच रही हूँ पहले उनका टिफ़िन बना लेती हूँ, पास्ता बना लूँगी, उनको पसंद है तो खा लेंगे. पास्ता बना लूँगी, साथ में मैं नहा लेती हूँ एंड पूजा कर लूँगी. आज उनका फर्स्ट डे है तो पूजा कर लूँगी, दिया जला दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा. एंड उसके बाद मैं हनी बनी को उठाऊँगी. फिर वो भी पता नहीं कैसे उठेंगे, 12 बजे सोए हैं, 12:30 करीब सोए हैं, 6 बजे 6:30 कैसे उठेंगे. एनीवेज चलिए पहले मैं टिफ़िन बना लेती हूँ. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. We don't need no more. Even in the hard times.
कैसे हैं आप? तो बस अभी हम लोग निकलेंगे, वैसे तो टैक्सी से जाएंगे, एंड वो क्या सर्टिफिकेट चाहिए ना हमारा, कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी स्कूल ड्रॉप करने जाएगा बच्चों को, एंड पेरेंट्स मतलब आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको एवरी वीक आपको कोविड टेस्ट करके नेगेटिव रिपोर्ट देना होगा, तो इसीलिए यही एक रीज़न था कि हमने वैक्सीन लिया था जल्दी, है ना? चलो माय बेबी इज रेडी, हाउ आर यू लुकिंग लाइक प्रिंस, माय प्रिंस। स्कूल ड्रेस में बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। नया सब कुछ, नया बैग, टिफिन, वाटर, यूनिफॉर्म, जूता, नया नया अच्छा लगता है। न्यू शूज फॉर बनो। Sorry. Your class name is Dynamic Dolphins. You are the dolphin. लगा थोड़ा सा इमोशनल लगता है, मेरे को वही फील आ रहा था जब मैं तेरे को पहली बार मैसूर छोड़ने गया था। चलो बट वो सेटल है, बाय बाय बोल रहे हैं, कुछ नहीं, चाय से ज्यादा किटली गरम। सो गाइस छोड़ के आ गए हनी बनी को, एंड स्कूल का एनवायरनमेंट तो ऐसा था कि बच्चे सब मस्त एंड पेरेंट्स सब बाहर खड़े थे क्लास के, चाय से ज्यादा किटली गरम थी, सारे बच्चे सारे पे कोई भी आना नहीं चाहता था, पेरेंट बाहर ही खड़े थे, पेरेंट सारे फर्स्ट डे था ना सबका। तो लास्ट को मतलब जो उनके जो फाउंडेशन स्टेज के जो हेड हैं वो आए, उन्होंने बोला जाओ अपने बच्चों से मिल लो पहले क्लास में, आओ 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 पहले घुस जाओ।
और मैं भी बेई शर्मिंदा था तो पहले घुस गया। यस, तो वो घर के आए, बट हाँ ठीक है, हनी बनी को स्कूल से वो ठीक है, मतलब 2 साल हो गए हैं। हनी बनी को इसलिए नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे को अच्छा फील आ रहा था, जैसे पहली बार मैसूर छोड़ के आया था ना क्योंकि आप जाते नहीं हो ना इतना स्कूल छोड़ने के लिए, तभी मेरी आदत है। बट हाँ अभी थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए गए हैं, मतलब करीब 3.5 घंटे, बट हाँ ठीक है, मुझे पता है उनको इतना पता नहीं चलेगा, वो कोप अप कर लेते हैं बहुत जल्दी, देखते हैं। अभी तो फोन वगैरह सब रखेंगे ऑन कि हाँ कुछ होता है तो। काफी लेट सोए थे यार हनी बने, वापस आके भी फिर आराम से घर पे थोड़ी देर। एंड सुबह एक ही बार उनको मैंने जगाया, वो उठ गए थे। तो बस अभी हमें थोड़ा सा काम है कहीं पे, हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद जीत चले जाएंगे ऑफिस, फिर मैं जाऊंगी हनी बनी को स्कूल से पिक करने के लिए। तो मैं उनको स्कूल से पिक करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय। चलो चलो, ओके, कम 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 कम, यू एंजॉय, ओह वाओ, टुडे यू गॉट क्राउन्स, डॉल्फिन क्राउन देखो, सुपर, चलो चलो चलो, टीचर गेव यू क्राउन, चलो, यू कलर नीचे, ओह वेरी गुड, दिस टू योर फ्रेंड्स, बट यू ऑल योर फ्रेंड्स आर इन द स्कूल नो? No. Then? V1. Oh, you want to show to V1? Yes. Do you know why you got the dolphin one? Why? Because your class name is? What? Dynamic Dolphins. Yes. Dynamic Dolphins. That's right. So you colored it niche? Yeah. Wow, very good, Bahani. Very I good. I want to color me. Very good, Bahani. And who put this heart one? Teacher? Yeah. Which heart? This upa, there is a heart. See, on bunny. And honey also. which one? अभी जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, कुछ मैं खाऊंगी। एंड कल भी मैं 2 घंटे सोई थी बस, तो मेरी आंखें भी बहुत अजीब से लग रही है। एक्चुअली हनी बनी ने ना यूनिफॉर्म बिल्कुल गंदा कर दिया था आज, तो कुछ लॉन्ड्री बैग में कपड़े पड़े थे तो एक साथ मैंने सारा धो दिया, तो अभी मैंने ड्राई करने के लिए डाल दिया, वो सूख जाएगा तो उसको मैं प्रेस कर दूंगी। एक्चुअली स्कूल की तरफ से एक सेट जो यूनिफॉर्म वो फ्री मिल रहा था, बाकी आप जितना भी खरीदो उसका पैसा देके ले सकते हो। तो हमने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा के लिए बोला था, बट जैसे कि मैंने बताया था ना कि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन था, जीत के बर्थडे वाले दिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उस दिन हम लोग भूल गए थे, तो हम लोग बाद में गए तो स्टॉक खत्म हो गया था, तो हमारे पास बस एक ही सेट है। एंड बच्चे तो गंदा करेंगे, तो जब तक नया स्टॉक नहीं आता है तो मुझे उसको डेली धो के उनको मतलब नेक्स्ट डे के लिए रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि यही यूनिफॉर्म वो 4 दिन पहनेंगे, बाकी जो फिजिकल एक्सरसाइज वाला एक अलग होता है, तो वो तो मैं सोच रही हूँ एक्स्ट्रा और 2 सेट ले लूँ, 3 सेट रहेगा तो बच्चों के लिए थोड़ा सही रहेगा, जब वो स्टॉक आ जाएगा तब ले लूँगी। फिलहाल तो वो सो रहे हैं, 6:30 बजे उठ गए थे, 12 बजे तक हम लोग घर आ गए थे, 12:10-12:15 तक आ गए थे, तो वो फटाक से नहा लिया उन्होंने एंड खाना खा के 1 बजे बेड पे गए और फटाक से सो गए। तो अभी 2-2.5 घंटा नैप लेंगे तो भी चलेगा। एंड ट्यूशन का टाइम मैंने उनका प्रीपोन कर दिया, वैसे तो ट्यूशन पता नहीं क्या करेंगे हम लोग, ये 1 महीना ट्रायल कर रहे हैं, आज से स्कूल स्टार्ट हुआ तो स्कूल के अकॉर्डिंग, मतलब स्कूल और ये कैसे वो रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता, तो इसलिए हम लोग ये एक मंथ देखेंगे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर उनका ठीक रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो सारे बच्चों का स्कूल ओपन हो गया तो सभी लोग जल्दी सो जाते हैं, 8:30 बजे तक कोई भी और बच्चा कॉरिडोर में नहीं होता है, पहले तो इतना खेलते रहते थे, इसलिए मैंने उनका टाइम जो है वो प्रीपोन कर दिया, क्योंकि वैसे उनको आते आते ट्यूशन से 8 बज जाते थे, तो इसीलिए 4:30 बजे जाएंगे, 5:30 मैक्सिमम 6 बजे तक घर आ जाएंगे, मतलब ट्यूशन तो 5:30 बजे ख़त्म हो जाता है, बट जैसे ट्रैफिक वगैरह रहता है तो मैक्सिमम 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे वो दोनों।
तो 6 से 8, 8:30 बजे आराम से खेल के फिर डिनर करके 9:30-10 बजे तक वो बेड पे चले जाएंगे। तो यही अभी रूटीन रहेगा। दोपहर को वो 1 बजे सो के 3 बजे भी उठते हैं तो भी 2 घंटे का नैप हो गया एंड 4:30 बजे ना तो भी 1.5 घंटा उनके पास रहता है बाकी कुछ और खेल कूद करने के लिए। सब कुछ मैं हनी बनी को बिल्कुल मैनेज कर दूंगी, पूरा टाइम टेबल सेट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है बस जीत के साथ में, वो कभी भी नहीं, जितना भी उनको बोल लो, और 10 बजे है एक मूवी लगा देते हैं, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा न्यूज़ देख लो ऐसे। और बच्चे हैं कि हनी बनी डैडा नहीं है पास में तो वो भी नहीं सोते, तो मैंने उनको बोला कि जो भी हो जाए आपको 10 बजे बेड पे जाना है, आप भले ही बेड पे वो सोने के बाद आपको जो करना है वो करो बट 10 बजे बेड पे जाना, उनको सुला देना पहले कि वो जीत के बगैर नहीं सोते हैं, जीत स्टोरी सुनाते हैं उनको तो जाके सोते हैं। तो यही है अभी से सुबह मॉर्निंग से लेके रात 10 बजे तक बिल्कुल ऐसा बिजी रूटीन रहेगा एंड उसके साथ में देखती हूँ ब्लॉगिंग कैसे क्या होता है, हो जाएगा मैनेज, हो जाएगा थोड़े दिन में हो जाएगा मैनेज, बट देखते हैं कैसे क्या कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल वो सो रहे हैं, उठने के बाद थोड़ा सा कुछ इवनिंग स्नैक्स खा के वो जाएंगे ट्यूशंस एंड उसके बाद मतलब जब वो ट्यूशन छोड़ के आऊँगे ना मैं उसी टाइम पे डिनर बना लूँगी ताकि उनको ले के आने के बाद वो थोड़ा खेलेंगे तो फिर हम लोग कुछ और गणपति की प्रिपरेशन भी करनी है मुझे। तो चलिए गाइस फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, होगा तो हनी बनी का कुछ क्लिप्स मैं बाद में ऐड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस। व्हाट यू ड्राइंग? टी-शर्ट। हनी बनी? नो, दिस इज मामू बनी। ओ मामू एंड बनी, ओ ये वो माय एंड हनी, मामू एंड बनी। एम एफ हुसैन पूरा चेयर डाल के बैठ गए। ରାବଣ ସେଟା ରହୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ ନଟ୍ ଫର୍ ମାମୁ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଟେନ୍ ନାଓ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ 11 ଅଲ୍ସୋ 1111 ଭେରି ଗୁଡ୍ ମାଇ ବଚ୍ଚା ये व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, वो ऐसे इंगेज रहते हैं ना 2-3 घंटे ऐसे रह जाते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ाई कर लेते हैं एंड ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं ना, मतलब उनका ग्रिप स्ट्रांग होता है तो इसीलिए बच्चे जब वॉल वगैरह में वो करते हैं ना पेंसिल वगैरह तो उनका ग्रिप बहुत स्ट्रांग होता है। बट मुझे पसंद नहीं कि वॉल गंदा हो, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड बड़ा सा ले आई हूँ, इसी में वो जो करेंगे। वैसे भी हनी बनी कभी भी वॉल में वो नहीं करते हैं तो ये व्हाइट बोर्ड बड़ा सा हो गया तो अपने आप करते रहेंगे यहाँ पे। वेरी गुड माय बच्चा। सी हनी स्टडिंग, यू आल्सो राइट ए बी सी डी, व्हाट यू आर डूइंग? हाँ यू नो बनी विल राइट ए बी सी डी और बनी इज डूइंग ओनली मॉन्स्टर। नो आई शुड राइट नेम। नेम राइट। नो आई राइट दिस मॉन्स्टर। ओके राइट विहान, राइट विहान। नो आई राइट मॉन्स्टर्स। ये पन्नी निकालना है उसके बाद, बट वे पहले से ही करना मगर चलो गंदा कर लो पन्नी, फिर पन्नी एक बार निकाल देंगे फिर ये व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। नहीं, I don't want to do it.